आने वाली 3 मई तक पूरा भारत देश लॉकडाउन में है और इसी के साथ साथ हमारे शहर उल्हासनगर में भी सिर्फ एसेंशियल यानी कि जरूरत की चीजों की दुकानें खुली रहेंगी। लेकिन इसी के बीच 24 अप्रैल देर रात को मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स द्वारा एक नया नोटिस जारी किया गया जिसके चलते अलग अलग स्टैंड अलोन शॉप्स को ओपन करने की इजाजत दी गई है। लेकिन उल्हासनगर शहर वासियों में ये कन्फ्यूजन था कि क्या वे 25 अप्रैल से अपनी दुकानें खोल सकते हैं। इसी कन्फ्यूजन को ध्यान में रखते हुए हम पहुंचे उल्हासनगर महानगर पालिका के आयुक्त और स्थायी समिति सभापति के पास जानने के लिए कि क्या 3 मई से पहले ही यानी कि 25 अप्रैल से ही उल्हासनगर शहर में खुलेंगी सारी दुकानें। आइए आपको दिखाते हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय से कल यानी 24 अप्रैल को एक ऑर्डर इशू हो गया है। वो ऑर्डर जो है 15 अप्रैल की जो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑर्डर है उसमें अमेंडमेंट है और ये अमेंडमेंट में 14 जो रूल है उसमें शॉप्स जो इंडिपेंडेंट है उसके आजू बाजू में कोई नहीं है जिसको स्टैंड अलोन शॉप्स बोलते हैं ऐसे शॉप चालू करने के लिए अनुमति दी गई है। और दूसरी चीज़ जो है फैन की दुकान है वो चालू करने के लिए उन्होंने दे दिए। मगर ये जो रूल्स है ये जो रेड जोन छोड़ के बाकी जगह पे एप्लीकेबल है। ये कंटेनमेंट जोन या रेड जोन में जो है इधर ऐसी कोई जो चीज़ अलाउ करनी है शॉप्स अलाउ करनी है वो कलेक्टर और म्यूनसिपल कमिश्नर को जो अथॉरिटी है उसके मुताबिक उल्लासनगर में ये रेड जोन में अलाउ न होने से उल्लासनगर में ऐसे शॉप्स चालू ना रखने के लिए आज ऑर्डर इशू की है। जो कोई शॉप चालू करेगा उसके ऊपर एक्शन ली जाएगी। कल रात को 12 बजे के बाद से ही कई व्यापारियों के कई नगर सेवकों के मुझे फ़ोन आए और वो स्पष्टीकरण जानना चाहते थे कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एक आर्डर इशू करके कहा है कि रिटेल के दुकान खुल सकते हैं। तो मैं उन सभी लोगों को ये क्लियरिफिकेशन देना चाहता हूँ। पहले तो 20 अप्रैल 2020 को हमारे कलेक्टर ऑफ थाने इन्होंने एक आर्डर निकाला था जिस आर्डर में उन्होंने उल्लासनगर महानगर पालिका के क्षेत्र को रेड जोन मतलब कंटेनमेंट जोन को दर्जा दिया था। तो ये बात सबको ध्यान में रखनी चाहिए कि जब तक फिर से कलेक्टर साहब कोई ऑर्डर निकाल के इसको अलग से नोटिफाई नहीं करते हैं मतलब इसका रेड जोन ख़त्म नहीं करते हैं तब तक ये रेड जोन में ही रहेगा। उसके बाद 24 तारीख कल रात को मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एक ऑर्डर निकाला जो ऑर्डर सिर्फ ग्रीन जोन के लिए ही लागू था जिसमें दुकान खोलने की परमिशन दी गई थी। साथ में उन्होंने एक ट्विटर हैंडल है इनका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का और मुंबई पुलिस दोनों ने अपने ट्विटर पे ये क्लियरिफिकेशन दिया कि कोई भी दुकान नहीं खुलेगा रेड जोन में तो बिल्कुल नहीं खुलेगा। उसके बाद आज कमिश्नर उल्लासनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने एक आर्डर निकाल कर क्योंकि कई लोगों ने उनसे मांगनी की थी फैन वालों ने भी उनसे मांगनी की थी कि हमें फ़ैन का दुकान खोलने की परमिशन दी जानी चाहिए। तो उन्होंने ये क्लियरिफिकेशन किया है कि 20 तारीख को कलेक्टर साहब ने हमें रेड जोन में डाला है तो तब तक जब तक रेड जोन में हम हैं तब तक यहाँ पर कोई भी दुकान नहीं खुलेगी। और साथ में उन्होंने जो फैन वालों ने उनकी जो डिमांड की थी वो डिमांड भी उन्होंने रिजेक्ट कर दी है। तो मैं सभी उल्लासनगर के शहरवासियों को भाइयों बहनों को दुकानदारों को ये सूचना देना चाहूँगा कि उल्लासनगर में रेड जोन है उल्लासनगर रेड जोन में आता है इसके लिए यहाँ पर कोई भी दुकान नहीं खुल सकता है। सिर्फ दोपहर को 2 बजे तक बेकरी आपके
सब्जियों के दुकान, फ्रूट्स के दुकान खुले रहेंगे, रात को मेडिकल के दुकान खुले रहेंगे, इनके सिवाय कोई भी दुकान खुला नहीं रहेगा। इसके लिए आप अपने घर पर रहें, सावधान रहें, सुरक्षित रहें। तो ये देखा आपने कि आने वाली 3 मई तक सिर्फ एसेंशियल सर्विसेज की दुकानें ही खुली रहेंगी हमारे शहर उल्हासनगर में। हम इसी तरीके से आपके सामने इंस्टेंट अपडेट्स लाते रहेंगे। तब तक आप हमारे YouTube चैनल क्लासिक 24 को सब्सक्राइब कीजिए। हम फिर मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए धन्यवाद।